सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉगर बंदे पे। मैं हूँ आपका शाबाश। आज मैं जाने वाला हूँ सैटरडे नाइट मार्केट। इस वीडियो में सैटरडे नाइट मार्केट के बारे में दिखाया गया, कैसा है, क्या है, अच्छा है कि नहीं है, एक्सपेंसिव है कि सस्ता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा और कितना अच्छा रंगीन है, ये सारी बातें वीडियो में बताऊंगा। तो हमारे इस वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए फिर फटाफट बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पर आएगे कैसे। यहाँ पर यानी कि सैटरडे नाइट मार्केट में आप आएगे कैसे। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास गूगल मैप है या फिर एप्पल वाला मैप है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ अपने मैप में आपको सैटरडे नाइट मार्केट लिखना है, लोकेशन अपने आप आ जाएगा। एक सजेशन के लिए ये भी बताना चाहूँगा कि जो सैटरडे नाइट मार्केट है आरपोरा के रास्ते पे आता है, यानी आप आरपोरा की तरफ जाते हैं तो बीच में ही आपको सैटरडे नाइट मार्केट मिल जाता है। कैसा लगा आपको हमारा सैटरडे नाइट मार्केट? होप्स आपको पसंद आया रहेगा। एक्चुअली गोवा का बहुत अच्छा मार्केट है ये। इसमें काफ़ी सारी अच्छी अच्छी एंटिक चीज़ें मिलती है, पर एक्सपेंसिव है, सारी चीज़ें एक्सपेंसिव है। आप अगर जा रहे हो तो आपको एक एक चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी मिलने वाली है। हाँ, बार्गेनिंग स्किल अगर आपकी अच्छी है तो आपको हो सकता है कि कम भी करके मिले, पर कुछ जगह पर कम नहीं करते, फिक्स रेट बताते हैं। ठीक है, अच्छा है। और एक म्यूज़िक शो भी हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में, मज़ा आ रहा था। और बाकी मार्केट ठीक ठाक है, मैं बोल सकता हूँ। आप जा सकते हैं, एक बार जाके आके घूम के आ सकते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगती है अपने घर के लिए तो आप खरीद सकते हैं। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।